तात्विकता, धातु के गुण। तो समरूप के क्या गुण होते हैं? प्रतिबंध लिखिए। तो नंबर एक, भुजाओं के अनुपात बराबर। यदि संगत शब्द भूल गए तो गड़बड़ हो सकती। और दूसरा, संगत कोण बराबर। अब यहां पर लिख दिया कि संगत कोणों के अनुपात बराबर, भुजाओं के अनुपात बराबर, तो गड़बड़ हो जाए। कोण डायरेक्ट बराबर लिखना है और भुजाओं के अनुपात बराबर लिखना। बस दो प्रतिबंध हो गए। इसने भी देखो तय और मैं दो ही लिखे जी। ओके, ये तो कभी काफी टाइम से बोल रहा हूँ ये। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। आधारभूत का अर्थ आपको समझाया था, जिसको साबित करने के लिए अन्य किसी प्रमेय की जरूरत नहीं होती है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? आधारभूत प्रमेय कहते हैं। किसी को साबित करने के लिए और पर किसी की जरूरत है तो उसको प्रमेय कहेंगे, और जिसको साबित करने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं, स्वयं घोषित है, तो उनको क्या कहते हैं? आधारभूत प्रमेय। ठीक है, कौन कौन सी भुजाओं में होगा? तो देखो, इसमें ये भुजा और ये भुजा समांतर है, तो इसको अपन ने थेल्स प्रमेय के आधार पर समझा था। थेल्स प्रमेय जानते हो, खंडों इनका अनुपात इनके अनुपात के बराबर होता है। तो इसने ये कहा है कि ये भुजाएं समांतर है, जो त्रिभुज की तीसरी भुजा, त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर अन्य दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेद करते हुए यदि समांतर रेखा खींचे तो इन खंडों का अनुपात इन खंडों के अनुपात के बराबर होगा। चलो ये क्या बोल रहा है? ए डी, चलो ये ए डी बट्टा डी बी, डी बी। तो बोलो इसके सामने कौन होगा? ए ई, ए ई बट्टा ई सी, ई सी। चलो अब मान लिया कि इसके अंदर डी बी ऊपर होता और ए डी नीचे होता है। तो देखो डी बी बट्टा ए डी, तो इसके अंदर भी ये बटा ये, तो इन दोनों खंडों में से जिसको अंश में लिखते हैं तो सामने वाली भुजा के जो खंड है उसमें भी उसी को ही अंश में लिखना है। ठीक है ना? तो यदि डी बी अंश में है तो सामने लिखोगे उसमें भी ई सी अंश में लिखोगे, और इसको लिखोगे आरंभ में। समझ में आ गई बात? उसके बाद में आ गए ए बी, ये बड़ा ए बी। तो आप मानसिक रूप से तैयार हो जाओ, ये यदि लिखा है तो सामने भी आपको क्या लिखना है? ए सी। ए बी लिखा है तो सामने क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। हर में क्या लिखा है? डी बी लिखा है, यानी कि फुल भुजा बटा खंड। तो यहां पर भी फुल भुजा बटा खंड ई सी। नॉर्मल बात है कि उसके बाद में अगली बार क्या लिखा है? ए बी, यानी फुल भुजा लेके ए बी, तो सामने हो जाएगी ए सी। सामने कौन लिखा है? ए डी, तो यहां से भी ए डी। समझ में बात आ रही नहीं आ रही? Yes. तो यदि ए बी, ए बी बटा ए डी, ए बी बटा ए डी, तो सामने ए सी
एडी है, एडी है, एई ऐसे ही बात। अब मान लिया कि यहां बी है और यहां क्या है बी, तो यहां पर बी है सी और यहां पर क्या आ जाएगा ई, यानी कि फुल भुजा अंश में है तो यहां पर भी फुल भुजा अंश में लिख दो, यहां छोटी भुजा हर में है तो यहां पर भी छोटी भुजा हर में लिख दो, जैसी हरकत पहले में वैसी हरकत दूसरे में, इस चीज का आपको ध्यान रखते हुए करना है। इसको थल्स पर में भी कहते हैं और ये थल्स पर में तभी लगता है जब ये आपस में क्या हो समांतर हो, तो ये लाइन और ये लाइन समांतर है तो ही ऐसा होता है वरना नहीं हो सकता। अब ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है और ये कोण तो दोनों में उपनिष्ठ है, छोटे त्रिभुज के अंदर भी ये और बड़े त्रिभुज के अंदर भी, तो ए है वो उपनिष्ठ हो गया। चलो आगे, अब प्रश्न नंबर 9 है ना, उसका जो चित्र है उस चित्र के आधार पर इसने कुछ प्रश्न बना करके दिए है तो उनका जवाब अपन को देना। तो इसने क्या बोला है, ए डी का मान है वो 2 है, डी ई का मान है वो 3 है, ए बी का मान 5 है, तो बी सी का मान कितना है, बी सी का मान कितना है, तो देखो ए डी बटा ए डी बटा ए बी, यानी कि ये भुजा बटा ये भुजा, तो बराबर कौन गई डी बटा बी सी। इधर देखो ए डी यानी कि ये भुजा बटा ए बी, यानी कि ये तो हो गई छोटे त्रिभुज की भुजा, ये हो गई बड़े त्रिभुज की भुजा, पहले क्या लिया छोटे त्रिभुज की, फिर क्या लिया बड़े त्रिभुज की, फिर बीच में आ गया डी ई जो इसमें नहीं था, इसमें कुछ नहीं था, तो डी ई तो ये क्या हो गया इस छोटे वाले की होगी, तो इसके बदले में क्या हो जाएगी ये, समझ में आ रही नहीं बात, तो नॉर्मल था ये काम। अब मान रख दो ए डी का मान कितना 2, ए बी का मान कितना 5, डी का मान कितना 3, तो बी सी का मान मालूम नहीं है तो कितना मान लो एक्स, वजर गुणा कर लो, तो इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, तो क्या हो जाएगा 2x बराबर इसका इससे गुणा करेंगे कितना 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7.5, 2 इधर आएगा भाग हो जाएगा 15 का आधा हो जाएगा 7.5, समझ में आ गया। अब यदि ये क्षेत्रफल है तो बड़े बोलना, क्षेत्रफल नहीं है तो क्या बोलना, केवल सेमी बोलना। तो इस प्रकार से ये 10वां प्रश्न अंकगणित के रूप में भी है, नंबरिकल प्रश्न पूछ लेते हैं कभी, यहाँ तो केवल अनुपात पूछ के छोड़ दिया कभी इनके बराबर कौन है, और यहाँ पर पूछ लिया है कि ये इतनी है ये इतनी है तो बी सी कितनी होगी, तो ये भी आप अंदाजा लगवा सकते हैं इस टाइप से। तो अनुपात है, अनुपात लिखना सीख लो, फिर जो मान दिया गया वो लिख दो, फिर हल करना, मान ज्ञात करना, पक्षांतरण करना, ये तो पुराना ही काम है। अब अधिकांश बच्चों में समस्या होती है कौन सी भुजा किसके बराबर है, तो एक बार यहां देख लो और ये प्रश्न और आ गया तो ध्यान देना, देखो ये है तो सामने ये है, क्लियर नॉर्मल, ये है तो सामने ये है, ये है तो सामने ये हो गया, तीन जोड़े बन गए और यदि ये और ये है तो केवल ये और ये हो गया। इसमें तीन टाइप सॉरी दो टाइप की बातें, एक तो है खंड तक, यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक,
तो यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक, इतना समझ में आया। इन हालातों में इनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, जिस वक्त ये आएगा ना उस वक्त ये भुजाएं शामिल नहीं होनी, इनको भी इसके बराबर नहीं मानना। एक बार पुनः देख लो, ये थेल्स परमे का भाग है, ये यहां से यहां तक यानी कि डी बी है, तो इनके बट्टे में लिखना ही है, यानी कि ए डी है तो बट्टा डी बी, तो सामने ये हो जाएगी। पहले किसको लिखूं मैं, ए ई को लिखूं क्या ई सी को लिखूं, तो इधर देखना पड़ेगा पहले कौन है, ए डी पहले है तो इधर भी ए ई पहले है, बट्टा ये। बात समझ में आई कि नहीं आई? इस वक्त केवल मात्र ये इतना ही होगा बस, इनके बारे में डिस्कस मत करना भूल के भी। जिस वक्त ये बट्टा ये होगा, ये बट्टा ये होगा, उस वक्त ये तीसरी भुजा इसमें हिस्सेदार नहीं होगी। ऐसा नहीं कि आपने बराबर बी ई बट्टा बी से लिख दिया तो ये मिला था, ये तो टुकड़े है ना, ये तो थे इसने अलग ही कहा है, इसमें तीसरी भुजा को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। समझ में आई ये बात? उसके बाद एक अलग टाइप का अनुपात होता है जिसमें होता है ए डी, क्या होता है ए डी, ए डी बट्टा ए बी, ए बी। तो देखो ये रास्ता दोनों का कॉमन है, लेकिन इसमें क्या हो गया ए से बी तक, तो ये क्यों ले रहे हैं? ये तो ले रहे हैं छोटी छोटे त्रिभुज की वजह से, ए डी छोटा त्रिभुज इतना ही सही बन रहा है, तो ए बी तक ही लेते हैं। सामने किसको लिया जा रहा है, ए बी को, तो ए बी ये बड़े त्रिभुज का है, इसको भूल जाओ, इस लाइन को भूल जाओ, तो यह सामने बड़ा त्रिभुज हुआ, तो ये छोटे त्रिभुज की भुजा बट्टा बड़े त्रिभुज की भुजा, ठीक। अब वापस इधर से लेंगे ए ई बराबर ए ई, तो ए ई इसमें भी है, लेकिन सामने ले लिया है ए से सी तक, ए से सी तक, तो ए से सी तक क्या है, बड़े त्रिभुज की भुजा है, ए से ई तक क्या है, छोटे त्रिभुज की भुजा है। तो इस वक्त आपके सामने होगा डी ई, ये क्या है, इस छोटे त्रिभुज की भुजा है, बट्टा बी सी, ये बड़े त्रिभुज की भुजा है। तो इस वक्त ये तीनों ही बराबर होते हैं, इसको कहते हैं समरूपता। क्या कहते हैं? समरूपता। ये है थेल्स अनुपात, ये तो है थेल्स अनुपात, इसमें टुकड़े है बट्टा एक तब तक बस इतना तक, ये बट्टा ये बट्टा ये बस इतना तक। और समरूपता के अंदर तीनों भुजाएं के अनुपात बराबर है, छोटे त्रिभुज की भुजा बट्टा बड़े त्रिभुज की भुजा, छोटे त्रिभुज की भुजा बट्टा बड़े त्रिभुज की भुजा, छोटे त्रिभुज की भुजा बट्टा बड़े त्रिभुज, तीन भुजाएं तीनों जोड़े बने। और ये है खंड, इनको कहते हैं खंडों का अनुपात, खंडों का अनुपात। ये है भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात। तो ये दोनों अलग अलग आपको लिखवाया था, आप भी लिखे पहले भी लिखवाया था, अभी और रिवीजन के तौर पर आप लिख सकते हैं। ये तो है खंडों का अनुपात और ये है भुजाओं का अनुपात। थेल्स, ये साबित किसने किया था? थेल्स ने, थेल्स परमे।